भिलाई में संचालित प्रभात टीवी न्यूज चैनल का 5वां स्थापना दिवस गत दिनों मनाया गया। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। प्रदेश में संचालित प्रभात टीवी न्यूज चैनल का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भिलाई दुर्ग की पत्रकारिता की सराहना की और कहा, यहाँ के खबरों की गूंज दिल्ली तक पहुँचती है। साथ ही व्यवसायी नगर विधायक रिकेश सेन ने चैनल हेड रमेश भगत के संघर्ष के दिनों को याद किया और उनके अटूट जज्बे की सराहना करते हुए पूरी टीम को शाबाशी दी। जो लोगों तक पहुंचाया, उसकी उपलब्धियां भरा एक 5 वर्ष उसके लिए मैं और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भाई केशव जी सभापति नगर निगम ओजस्वी तरीके से और सत्रता के आधार पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे इस दुर्ग भिलाई में विशाल आप सब हैं और दुर्ग भिलाई की पत्रकारिता पूरे प्रदेश ही नहीं देश में भी जाना जाता है। ये मैं खुद महसूस करता हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, मतलब दिल्ली तक आप लोग की गूंज रहती है, ये मैंने साक्षात दिल्ली में महसूस किया। इसलिए मैं उस सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो इस क्षेत्र का सेवक हूँ और आप सबसे प्यार की बदौलत स्नेह की बदौलत आज मुझे सौभाग्य मिला है। आप सबका प्रेम स्नेह सदा मिलता रहे और मेरे लायक जो भी सेवा हो हमेशा मैं आप सबके साथ हूँ, एक पारिवारिक सदस्य रूप में, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह। हम सबके सामने उनका संघर्ष हम सब लोगों ने देखा है और एक कोई नई चीज की जब शुरुआत होती है तो उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और मैं तो ये समझता हूँ कि भिलाई दुर्ग में प्रभात टीवी अब लोगों की जुबान पे है। ये इनकी मेहनत है रमेश भाई की, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप अच्छे लगन के साथ अगर काम करेंगे तो उसको सफलता अवश्य मिलता है। प्रभात टीवी सकारात्मक कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं लेकिन ऐसे समय में आज मैं देख पा रहा हूँ कल प्रेस क्लब का चुनाव भी था और उसमें सारे पुराने जितने हमारे साथी थे जिनके साथ मैंने भी 25 साल क्योंकि सक्रिय राजनीति में 25 साल मुझे हो गए, पार्षद की भूमिका से मैं आया और अभी भी वर्तमान में भारतवर्ष का अकेला ऐसा विधायक हूँ जो पार्षद भी हूँ और विधायक भी हूँ। तो मैं 25 सालों से सभी तत्काल जगत के बता दें, आकाश गंगा सुपीला कॉफी हाउस में प्रभात टीवी न्यूज चैनल के स्थापना दिवस पर गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। यह मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल रहे, अध्यक्षता विधायक रिकेश सेन ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में रिसाली नगर निगम के सभापति केशव बंछोर और भिलाई निगम जोन 5 के अध्यक्ष राजेश चौधरी, वरिष्ठ श्रमिक नेता प्रभुनाथ मिश्रा एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, राजीव चौबे अध्यक्ष स्मृति गृह निर्माण समिति उपस्थित रहे। प्रभात टीवी के हेड रमेश भगत ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। पधारे सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लगातार हम लोग 5 वर्षों से प्रभात टीवी का स्थापना दिवस मनाते रहे और सबसे पहले शुरुआत नहीं हुई थी 2000 के समय से हम लोग छत्तीसगढ़ प्रभात एक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत किए थे और 2019 से एक पोर्टल चैनल चालू किया हमने prabhattv.com, वो लगातार संचालित होता रहा। इसी बीच हमने YouTube चालू किया प्रभात टीवी के नाम से, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित हो रहा था और केबल में भी इसका प्रसारण हो रहा था लेकिन अभी कुछ कारणों से केबल में प्रसारण रुका हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही हम निरंतर आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह प्रभात टीवी परिवार को मिलता रहे क्योंकि हम धीरे धीरे दुर्ग भिलाई राजनांदगांव बेमेतरा बिलासपुर कमरथा जैसे जगहों में हमारे पत्रकार काम कर रहे हैं, निरंतर लगातार खबरें देते रहते हैं और प्रभात टीवी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखा हुआ है और लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है। सब आप लोग की बदौलत से आप लोग आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
बहरहाल इस अवसर पर प्रमुख रूप से शामिल सांसद विजय बघेल को राजकीय गमछा भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं प्रभात टीवी न्यूज चैनल की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश दुबे एवं आभार प्रदर्शन राजकुमार सिंह ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।